नमस्कार, मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं। हमने करंट अफेयर की सीरीज में अवार्ड्स एंड ऑनर का सेक्शन देखा था। अवार्ड्स एंड ऑनर में को बहुत ही अच्छे तरीके से, बृहद तरीके से हम लोगों ने कवर भी किया था। अब हम बात करेंगे आपके इस करंट अफेयर की सीरीज के और आगे की एक लेक्चर में, जिसका नाम है आपके प्रमुख युद्धाभ्यास जो होते हैं, आपके प्राइम मिलिट्री एक्सरसाइज जो होंगे, उन एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। उन एक्सरसाइज को हम करते हुए चलेंगे कि कौन कौन से अभी रिसेंटली, हाल ही में आपके जो अवार्ड्स हुए हैं, जो आपके मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए हैं, उन मिलिट्री एक्सरसाइजेस में कौन कौन सी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीजों को देखते हुए चलते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं आपके ट्रॉपेक्स के बारे में, तो ट्रॉपेक्स 2023 का अभी आपका लेटेस्ट में हाल ही एक आपका क्या हुआ है, ये आपका नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक चलने वाला एक क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज था। ध्यान रखेंगे इसके बारे में। ट्रॉपेक्स का अगर मैं आपसे पूछूं, ट्रॉपेक्स के अगर बारे में पूछूं, ट्रॉपेक्स का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ दे, तो ट्रॉपेक्स का फुल फॉर्म होता है थिएटर लेवल ऑपरेशन ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ये होता है बेसिकली, ये नवंबर आपके नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक चला था। बेसिकली कहां चला था देखेंगे, अरब सागर में और आपके बंगाल की खाड़ी सहित हिंद महासागर का क्षेत्र जो था ना, उसमें आपके उसमें ये मिलिट्री एक्सरसाइज चली थी। बेसिकली आपका नेवल एक्सरसाइज था, नौसैनिक युद्धाभ्यास था, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। भारत के लगभग 70 नौसेना जहाज, भारत के नौसेना जहाज 70 से अधिक नौसेना जहाज ने इसमें आपका पार्टिसिपेट किया था, 6 पनडुब्बी और आपके 75 से अधिक फाइटर प्लेन ने इस चीज में, इस मिलिट्री एक्सरसाइज में, इस मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज में क्या किया था, भाग लिया था। नेवल एक्सरसाइज मतलब जो आपका नौसैनिक समुद्री अभ्यास होता है, उनमें भाग लिया था। बेसिकली ये देश के अंदर का ही था, तो इनमें तीनों सेनाओं के जो आपके थे, इनमें ध्यान रखेंगे नौसेना के तीनों कमान ने हिस्सा लिया था, तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आप समझ लेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य भी आप थोड़ा सा समझ लेंगे। इसके उद्देश्य के बारे में अगर मैं बताऊं, तो नौसेना की आक्रामक रक्षा क्षमताओं को मान्य करना, और अगर मैं बताऊं सी एरियाज यानी समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, और आपके हिंद महासागर क्षेत्र में क्या स्थिरता और शांति का क्या करना, शांति को प्रोत्साहित करना। बेसिकली क्या था, ये आपका इंडिया के अंदर ही होने वाला एक्सरसाइज था। क्या था एक्सरसाइज, ट्रॉपेक्स आपका 2023। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट आपका क्या है मिलिट्री एक्सरसाइज, वो है आपका फ्रिंजेक्स। फ्रिंजेक्स के क्या बारे में बताऊं, तो एफ आर से फ्रांस, आई अब आई से क्या हो जाएगा, आई एन से क्या हो जाएगा आपका इंडिया, जे से आपका ज्वाइंट, और ई से ई एक्स से आपका क्या हो जाएगा, ई एक्स से आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये बेसिकली आपके जो थल सेना होती है ना, आपकी जो आर्मी होती है, उन आर्मी में कहां कहां की आर्मी से, आपके भारतीय थल सेना और आपके फ्रांस की थल सेना के बीच में होने वाला एक्सरसाइज था। यानी ये मिलिट्री एक्सरसाइज था किसके बीच में, फ्रांस और भारत के बीच में होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज था। कहां पे हुआ था अगर मैं बात करूं, तो ये केरल के आपके तिरुवनंतपुरम के पैंगोंड मिलिट्री स्टेशन में 07 और 08 मार्च, 7 और 8 मार्च को हुआ था, 2000 किसके आपके 2023 को ये हुआ था। ध्यान रखेंगे इसका उद्देश्य बिल्कुल क्या था, अगर इसके उद्देश्य के बारे में मैं बात करूं, तो सामरिक स्तर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालन को और अंतर संचालन के साथ साथ समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना था। तो ये आपका फ्रिंजेक्स था। फ्रिंजेक्स के बारे में अगर मैं मूव आगे करूं, तो ये क्या है आपका तीसरा जो आपका है, स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स की बारे में बात करूं, स्लाइनेक्स जो भी आप पढ़ेंगे, स्लाइनेक्स से आप बेसिकली स्लाइनेक्स को आप देखेंगे, स्लाइनेक्स श्रीलंका, अब आई से क्या हो जाएगा आपका इंडिया, और देखेंगे इंडिया श्रीलंका क्या था, ये नेवल एक्सरसाइज था। बेसिकली ये एन से आपका यहां पे नेवल बनेगा, ये नेवल एक्सरसाइज था, ई एक्स था। यानी श्रीलंका और इंडिया के नौसेना के बीच में होने वाला जो एक्सरसाइज था ना, वो था आपका स्लिनेक्स। इसके बारे में ध्यान रखेंगे। चलिए भारत और श्रीलंका के बारे में बता दिया मैंने, कब हुआ था ये, 6 अप्रैल से 8 अप्रैल को आयोजित किया गया था। यह ध्यान रखेंगे 6 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर स्लाइनेक्स के बारे में मैं बात करूं, तो स्लाइनेक्स का ये कौन सा संस्करण था, ये 10th नंबर का, ये 10वें नंबर का संस्करण था। यानी भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो जो था, ये क्या हुआ था, ये आपके
दसवां संस्करण था इसका, ठीक है। इनकी बात करूं मैं तो ये कहां हुआ था, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में हुआ था। चलें आगे। अगर मैं इसके क्या करें, सेलेनिक्स के एम की बात करूं, उद्देश्य की बात करूं मैं, तो इसका उद्देश्य यह था अंतर संचालन को बढ़ावा देना। क्या है, इंटर ऑपरेबिलिटी जो होती है आपकी, ऑपरेशनल जो ऑपरेबिलिटी होती है उस चीज को बढ़ावा देना होता है, आपसी समझ को बेहतर बनाना होता है, संयुक्त रूप से बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल क्या समुद्री संचालन के बारे करते हुए सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना है, ठीक है। ये बेसिकली आपका देख लेंगे इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बताऊं नेक्स्ट आपके युद्धाभ्यास के बारे में, तो सिम्बैक्स, सिम्बैक्स क्या है, एस आई से आप, एस से क्या सिंगापुर, आई से क्या इंडिया, एम से क्या मैरिटाइम, मैरिटाइम मतलब क्या नौसेना, समुद्री वाली जो होती है आपकी, और बाइलेटरल, बी से बाइलेटरल, ई एक्स से एक्सरसाइज, ये इसका फुल फॉर्म है। अगर इनके बारे में बताऊं तो ध्यान रखेंगे इसका 29वें नंबर का ये संस्करण था, ये 29वें नंबर का संस्करण आयोजन किया गया था। कहां पे हुआ था? भारत और सिंगापुर के बीच में होने वाला अध्याभ्यास था, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। कहां हुआ था ये? आपका पहला चरण जो था वो विशाखापत्तनम में हुआ था, और इसका जो दूसरा चरण था उसके बाद वो हुआ था आपकी बंगाल की खाड़ी में। तो ध्यान रखेंगे बंगाल की पहला जो चरण था वो आपके विशाखापत्तनम में हुआ था, और जो दूसरा चरण था वो कहां था आपका? दूसरा चरण आपकी बंगाल की खाड़ी के समुद्री इलाके में हुआ था। ये किसके बीच में था? ये था आपके सिंगापुर और इंडिया के बीच में। चलिए जिमेक्स की बात करूं मैं, तो जिमेक्स क्या होता है? बेसिकली जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज होता है, जापान और इंडिया के बीच में होने वाला मैरिटाइम एक्सरसाइज है। जे से जापान, आई से इंडिया, एम से मिलिट्री मैरिटाइम, और मैरिटाइम का क्या मतलब? बेसिकली आपका समुद्री से रिलेट करेंगे, ये भी आपका समुद्री रिलेटेड है, जापान और इंडिया के बीच में होने वाला। और ये जो जापान इंडिया के बीच में हुआ था ना जिमेक्स, ये वाला लेटेस्ट वाला आपका कौन सा हुआ है? 11 सितंबर 2022 को अभी लेटेस्ट हुआ है। वो बेसिकली आपका क्या है? ये 6th नंबर का संस्करण है। ये कौन सा एडिशन था इसका? 6th नंबर का था। ध्यान रखेंगे सतह, उपसतह और वायु डोमेन में जटिल अभ्यासों के माध्यम से दोनों देश में समुद्री लेवल पे जो चीजें होती हैं ना, इनके बारे में है। ये आपका उद्देश्य है, इसको देख लेंगे। बेसिकली इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोर पॉइंट क्या है, कब हुआ था, किन किन देशों के बीच में हुआ था, संस्करण कौन सा था, कहां आयोजित हुआ था, मैंने इस चीज के बारे में बता दिया है। ध्यान रखेंगे आपने देखा होगा जिमेक्स, लिनेक्स, फ्रिंजेक्स, टॉपेक्स, इन सारी चीजों को मैं लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि एक चीज यहां पे एक्स वाली जितनी ये आपके चीजें हैं ना एक साथ ये तैयार हो जाएं, ताकि आपको आसानी से और भी चीजों के बारे में जानकारी मिलती रहे। अगर मैं बताऊं धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास अभी आपने थोड़ी देर पहले किसके बारे में पढ़ा? जिमेक्स के बारे में। अभी इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? धर्म गार्जियन के बारे में। तो धर्म गार्जियन के बारे में ध्यान रखेंगे, यह भी आपके भारत और जापान के मध्य होने वाला कौन सा संस्करण था? यह 4th नंबर का था। कौन सा? 4th नंबर का। अभी आप इसके बाद वीर गार्जियन देखेंगे, यानी धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन अगर आपको कंफ्यूज करेगा तो एक ही बार में आप सारी चीजों को यहां पर पढ़ लेंगे। यह आपका बेसिकली कौन सा संस्करण था? आपका 4th संस्करण था। कब हुआ था आपका? 17 फरवरी से लेकर के आपके कब से 2 मार्च 2023 तक। चलें ये जापान के कहां हुआ था? जापान के शिगा प्रांत में। जापान के कहां पे? शिगा प्रांत में हुआ था, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये भारत और जापान का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास था, ध्यान रखेंगे। उद्देश्य भी देख लेंगे, इनके दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता, मिलनसारिता, सौहार्द, मित्रता का, ये बिल्कुल ये सब चीजें हैं, इनके बारे में भी आप देखते हुए चलेंगे। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो आपका 7वें नंबर का युद्धाभ्यास है, वो 7वें नंबर का युद्धाभ्यास मैंने बताया भी था, वीर गार्जियन है। वीर गार्जियन भारतीय वायुसेना, और कहां पे हुआ था? जापान में। किसके बारे में हमने पढ़ा? अभी जिमेक्स के बारे में पढ़ा, भारत और जापान के बीच में। जिमेक्स के बाद हमने, जिमेक्स जो था वो मिलिट्री एक्सरसाइज, मैरिटाइम एक्सरसाइज था, समुद्री जो एक्सरसाइज था वो था। अभी हमने बात किया धर्म गार्जियन के बारे में, मिलिट्री एक्सरसाइज था, मिलिट्री एक्सरसाइज किसके, धर्म गार्जियन किसके बीच में था? भारत और जापान के बीच के मिलिट्री के बारे में था। और अभी मैं बात करूं वीर गार्जियन, तो वीर गार्जियन भी भारत और जापान के बीच में हुआ था, होने हुआ था। क्या हुआ था? ये भारतीय वायुसेना और जापान की एयर
सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में हुआ था। ध्यान रखेंगे इसका पहला संस्करण हुआ है, हमने तीनों देख लिया भारत और जापान के बीच में, भारत और जापान से रिलेट करके हमने तीनों देख लिया। पहला क्या देखा, पहला अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा किसके बारे में, समुद्री बारे में। दूसरा धर्म गार्जियन किसके बारे में था, मिलिट्री एक्सरसाइज था। तीसरा आपका कौन सा था, वीर गार्जियन। वीर कहां से था, एयरफोर्स के साथ था। इसके बारे में ध्यान रख लेंगे, पहला संस्करण था 26 जनवरी 2023 को जापान में संपन्न हुआ था, इसके बारे में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 8 की, जो बेसिकली आपका 8 नंबर का युद्धाभ्यास है वो कोंकण युद्धाभ्यास है। ध्यान रखेंगे कोंकण युद्धाभ्यास बेसिकली आपके ब्रिटेन के रॉयल नेवी के साथ हुआ था, और किसके साथ, भारत और ब्रिटेन के रॉयल नेवी के। और कोंकण नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो कोंकण युद्धाभ्यास है ना, ये भारत में हुआ था। तो कोंकण के बारे में मैं बताऊं तो प्रतिवर्ष होता है ये, भारत और ब्रिटेन की नौसेना जिसे आप रॉयल नेवी कहते हैं, जिसे आप रॉयल नेवी कहते हैं, इनके बीच में हुआ था। पहला कोंकण युद्धाभ्यास कब हुआ था, 2004 में आयोजित किया गया था। और ध्यान रखेंगे तब से यह भारत और इनके किसके बीच में, आपके किसके बीच में, भारत और ब्रिटेन के सैनिकों, नौ सैनिकों के बीच में, रॉयल नेवी है तो मैरिटाइम एक्सरसाइज ही होगा। ध्यान रखेंगे भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच में, ध्यान रखेंगे 20 से 22 मार्च 2023 तक ही आयोजित किया, 2023 तक आयोजित किया गया था, देख लेंगे। एक चीज और समझेंगे इसमें, भारत की तरफ से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भारत की तरफ से मिसाइल युद्धपोत जो था ना पहला निर्देशित, वो कौन सा था, INS त्रिशूल और एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, और आपका 23 टाइप के निर्देशित मिसाइल युद्धपोतों जो था आपका HMS लैंकेस्टर ने हिस्सा लिया था। इसके इस युद्धाभ्यास में थोड़ा सा इस पर ध्यान रख लेंगे, INS त्रिशूल के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ये बेसिकली आपका क्या था, पहला डायरेक्टेड मिसाइल जो आपका था, ये INS त्रिशूल था। चलिए अब मैं बात करूं नाइन नंबर पे कौन है आपका, कोप इंडिया युद्धाभ्यास। कोप इंडिया युद्धाभ्यास क्या था आपका, ये आपका था यूएसए के क्या, एयरफोर्स और आपके भारतीय वायुसेना के बीच में, यानी इंडियन एयरफोर्स और यूएसए की एयरफोर्स के बीच में यह युद्धाभ्यास हुआ था। कौन सा युद्धाभ्यास था आपका, कोप इंडिया युद्धाभ्यास। ध्यान रखेंगे अप्रैल 2023 में हुआ था यह, और बेसिकली आपका अप्रैल 2023 में कहां पे हुआ था, ये आपका पानागढ़, कलाई कुंडा और आगरा में आयोजित किया गया था। कहां पे आपका हुआ था, अर्जन सिंह जो वायु सेना स्टेशन था पानागढ़ में, और ध्यान रखेंगे कलाई कुंडा और आपका आगरा एयरफोर्स स्टेशन में हुआ था। किसके बीच में था ये बेसिकली आपका यूएसए और यूएसए के साथ साथ किसके बीच में था, यूएसए और आपके इंडियन एयरफोर्स के बीच में होने वाला एक मिलिट्री एक्सरसाइज था। एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ऑब्वियसली आपका इंडियन एयरफोर्स के बीच में हुआ था। ध्यान रखेंगे दोनों वायुसेना के बीच में आपसी समझ को बेहतर बनाने के लिए इनका ये एक तरह से हर साल का होता रहता है। तो ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं ला पैरोश आपका क्या है, एक नेवल एक्सरसाइज है। कौन सा एक्सरसाइज है, अगर नेवल मतलब समुद्री एक्सरसाइज है, नेवी के बीच में होता है। देखेंगे हर दो वर्ष में आयोजित किया जाता है। हर अगर मैं बताऊं 13 से लेकर के 14 मार्च 2023 को हिंद महासागर क्षेत्र में यह आयोजित किया गया है। देखेंगे इसमें जो था आपका, इसमें आपके ऑस्ट्रेलियाई नौसेनी और आपके फ्रांसीसी के साथ साथ आपके भारतीय के साथ साथ आपके जापानी, और जापानी के साथ साथ आपके कौन, जापानी आपके यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के कर्मियों ने, कौन से, रॉयल नेवी आपके ब्रिटेन के, और ब्रिटेन के साथ साथ कौन से आपके यूएसए के भी नेवी ने, कौन कौन से देश हो गए आपके, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, भारत हो गया, जापान हो गया, और आपके क्या हो गया, आपके ब्रिटेन का हो गया, ब्रिटेन के साथ आपका क्या हो गया, यूएसए का हो गया। इन कर्मियों के साथ ने, जहाजों ने और इंटीग्रल आपके हेलीकॉप्टर ने भागीदारी ली थी। ठीक है, इनमें आपके कौन से, इसमें आपके INS सह्याद्री भारत का था, और ध्यान रखेंगे फ्लीट टैंकर था, मिसाइल फ्रिगेट था आपका INS सह्याद्री, और आपका INS ज्योति कौन सा था, INS ज्योति और INS आपके सह्याद्री ने क्या लिया था, इसमें हिस्सा लिया था। ध्यान रखेंगे भारत की तरफ से इसमें लिया था, और बिल्कुल क्या है आपका, ये स्वदेश निर्मित, हमारे देश में निर्मित ये जो चीजें थी ये बनाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, जागरूकता बढ़ाने के लिए और
हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद और प्रशांत इंडो पैसिफिक रीजन में इन चीजों को लेकर के बनाया गया था, तो थोड़ा सा देख लेंगे। ये आपके अगर एक्सरसाइज रहे, इनसे और एक्सरसाइज की एक वीडियो और लेकर के आऊंगा मैं, जिसमें आपके लेटेस्ट और भी जितने एक्सरसाइज होंगे उन सारे एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में कंपाइल कर दिया जाएगा। यानी आपके दो वीडियो पड़ेंगे आपके एक्सरसाइज के लिए, कि दो वीडियो आपके लिए पर्याप्त होंगे किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। आपके जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज होंगे उन मिलिट्री एक्सरसाइज को एक एक करके वन बाय वन आप इन चीजों को समझा लेंगे और इन चीजों को कर लेंगे। तो चलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को फिर से मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे लाभ मिल सके। इसलिए सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।